यार मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पेज पे और मेरे यूट्यूब पे और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर असदुद्दीन ओवैसी के कोई फॉलोअर है और वो जो कमेंटे कर रहे हैं, अबे मैं पहले भी एक्टर था और मैं एक्टर ही हूं। मैं इलेक्शन में इसलिए खड़ा हुआ कि मेरे को खड़ा होना था और मैं खड़ा हो गया। और मुझे नचनिया नचनिया क्या बोलते रहे तुम लोग, हैं? तुम दूध के धुले हो, तुम लोग साला यूट्यूब पे हो, तुम लोग साला फेसबुक पे हो, तुम लोग व्हाट्सएप पे हो, तुम्हारे घरों में टीवी है, हैं? तुम ना नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहे हो और तुम्हारा असद भाई भी तो नाश्ता ऐसा ऐसा करके नहीं नाश्ता क्या? उसको डांस नहीं बोलते क्या? मेरा बोलने का मतलब यह है मेरे भाई लोग, मेरे से मत खुजाओ, मेरा तुम्हारे से सिर्फ हश्र के मैदान में मिलने का वादा है। और मेरा अल्लाह, तो मैं अगर मैं बोलता हूँ मेरा अल्लाह तो भाई अल्लाह ताला ने तो बोला है कि शराबियों को भी जन्नत दी है, मेरे अल्लाह ने तो किसको माफ नहीं किया, वो तो रहम दिल है। और वो जब किसी को वो उनके और मेरे बीच की बात है, जो भी बात है, भाई मेरा घर क्या तुम लोग आगे चलाओगे क्या? है जो अल्लाह के बंदे एनजीओ चलाता हूं वो भी मैं नाच नाच के ही चलाता हूं भाई, समझे ना? अल्लाह के बंदे जो एनजीओ चलता है, जो अल्लाह ताला गरीबों का इलाज भी करा रहे, वो भी उसी से चलता है। तुम क्या क्या चाह क्या रहे हो तुम लोग भाई? कमेंटे कर करके मेरे यूट्यूब पे का अच्छा हुआ असद भाई इसको टिकट नहीं दिए। अबे तुम्हारे असद भाई जिसको टिकट दिए ना सब बैठ गए ऐसा फम करके बैठ गए। और दूसरा तो दूसरा आरिफ नसीम खान, ये लोग सबको भी हरा दिया तुम्हारे असद भाई ने। इमरान कुरैशी सबको हरा दिया। किसने? वो इमरान कुरैशी को खड़ा कर दिया आरिफ नसीम के सामने। वो आरिफ नसीम खान इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा पॉलिटिशियन, उसको हरा दिया 1000 वोट से। इसीलिए वारिस पठान भी हारा, इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर से असदुद्दीन ओवैसी फिनिश हो गया 5 साल तक। तो ये अल्लाह ने किया है। जब तुम सब ऐसा चाह रहे थे, जब अल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी के साथ है तो क्यों 52 सीट में से क्यों सीट नहीं आई? तो ये सब छोड़ो जरा, है अपनी अकल लगाओ, मेरे नबी को फॉलो करो, मेरे को और असदुद्दीन ओवैसी को फॉलो मत करो। हम दोनों इंसान है, हो सकता है हम दोनों तुमको बेवकूफ। मेरे नबी को फॉलो करो, मेरे नबी का जो रास्ता है उसको ही फॉलो करो, उनकी बातों को फॉलो करो। और मेरे नबी ने कहा है काणे को काणा मत कहना, किसी पे इस्लाम थोपना, किसी पे इस्लाम फोर्सफुली मत डालना। तो ये लगता है ना कि एजाज खान नचनिया है, तुम लोग जानते हैं नचनिया, तो फिर उसका भी जवाब दो मुझे। ये जो है ना इसका भी जवाब दो। छोड़ दो मेरे भाई, इस्लाम बाल से बारीक है और तलवार से तेज है। हम कोई हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, हम कोई भी नहीं है, खाली बातें करते हैं। और लोग अपने आप को सहाबा से कंपेयर करते हैं। अरे अपने काम करते जाओ अच्छे अच्छे, अपना सब कुछ करते जाओ, और देने वाला अल्लाह है, समझ रहे हो? इसलिए मेरे पेज पे सब मत करना मेरे भाइयों। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अच्छी बात नहीं लिखनी है तो बुरी बातें भी वहां पे मत लिखना। मेरा काम है, ये जो टॉकर्स हाउस शो आ रहा है ये मेरा काम है, इससे मेरा घर चलता है और इससे कई लोगों के इलाज होते हैं, कई लोगों का काम होता है। तुम लोगों को फेसबुक पे मत रो, व्हाट्सएप पे मत रो, अपने घरों में से टीवी निकालो और नबी की सुन्नत को फॉलो करो। वही आदमी इस पे लिख सकता है, बाकी कोई मत लिखना, कोई मत लिखना, नहीं तो आईडी से एड्रेस निकालूंगा और एड्रेस निकाल के घर से आऊंगा, घर से निकाल के मारूंगा मैं, बहुत डेंजरस हो रहा हूं, याद रखना बेटा। और मैं तब मैं तुम लोग मेरे को बोलते अल्लाह भाई अल्लाह क्या तुम्हारा है? रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला नहीं है, पूरी सातों कायनात का अल्लाह ताला है। अल्लाह का नाम कोई भी ले सकता है, सिख ईसाई हिंदू कोई भी, मेरे अल्लाह सबके है। तो मेरे साथ ज्यादा नाटक नहीं करने का, और मेरे पेज पे अगर अनफॉलो करो, असदुद्दीन के फैन हो तो अनफॉलो करो और निकलो मेरे को असद।